नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। परंपरागत खेलों को समाज में बनाए रखने की मुहिम में अब मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा भोपाल में प्रदेश स्तरीय आयोजन करेगा। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने बताया कि युवा मोर्चा खेलों के साथ साथ सामाजिक कामों के जरिए समाज सेवा के कामों में जुटा है और मोर्चे में ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं जिसका फायदा आम जनता को मिल सके। खेलेगा भारत अभियान का फाइनल मैच 12 तारीख को भोपाल में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सानिध्य पर युवा मोर्चा संपन्न कराने वाला है। कार्यकर्ता विकास और कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की दृष्टि से युवा मोर्चा एक अभ्यास वर्ग लगाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम हम देवास में 18 और 19 तारीख को करने वाले हैं। इसी तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा कानूनी सहायता को लेकर फ्री कैंप लगाने का काम हर शनिवार को हमारे 5 संभाग केंद्रों में भारतीय जनता युवा मोर्चे ने तय किया है। आगामी समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर युवा मोर्चा एक राष्ट्र चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हम आयोजित करने वाले हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 40 देशों के नौजवान शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा 8th से लेकर 12th और फर्स्ट ईयर से फाइनल तक के यूथ के बीच में जाकर उस बुकलेट को हम एक प्रकाशित करेंगे जो 15 दिन पहले यूथ को देने वाले हैं। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ इसमें शामिल होते हुए उस पे हम एक पोस्ट कार्ड लगा रहे हैं। उस पोस्ट कार्ड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से लोग अपना संदेश दे सकते हैं। उस बुकलेट के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी का 40%, 30% मध्य प्रदेश सरकार की विकास योजनाएं, 20% केंद्र की योजना और 10% का जीके हमने उसमें इंक्लूड किया है। ये परीक्षा मैनुअली और ऑनलाइन मध्य प्रदेश bjym.mp.com में हम इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। जो भी यूथ इसमें शामिल होना चाहता है वो इसमें शामिल हो सकता है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।